आज बनाएंगे हम अफगानी सोया चाप, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। एक बार पूरा वीडियो देख लोगे ना तो आसानी से आप बना पाओगे इसे। सोया चाप कई फ्लेवर में बनाए जाते हैं, जैसे अचारी फ्लेवर में, तंदूरी सोया चाप, मलाई चाप, सोया चाप करी आदि, जिसमें से आज हम अफगानी वाला बना रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने फ्रोजन सोया चाप लिए हैं, ऐसे पैकेट में आते हैं। ये आधा किलो का पैकेट है, जिसमें से मैंने 4 पीसेस निकाल लिए हैं और इसे डीप फ्रीज़र के अंदर रखना है। मतलब जो फ्रिज का फ्रीज़र होता है ना, उसमें आपको रखना है, स्टोर करना है उसी में। तो ये 4 पीस मैंने निकाल लिए हैं और अभी तो एकदम टाइट है क्योंकि फ्रीज़र से निकाला है इन्हें। इन्हें हम बॉईल करेंगे। तो पहले पानी में एक बार वॉश कर लीजिए या फिर पानी में ऐसे डाल दीजिए। मैंने अभी हैंड टू हैंड निकाले हैं, इसलिए मैं पानी में डालकर इसे लगभग 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। तब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर हम इसे बॉईल करेंगे। अभी 20 मिनट लगभग हो चुके हैं और ये सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट मतलब फ्रिज से निकाल लो अपने फ्रीजर से और कुछ देर बाहर छोड़ दो 20-25 मिनट, जिससे वो नॉर्मल हो जाएंगे, फिर बॉईल कर सकते हो आप। तो ये मैं इन्हें बॉईल कर रहा हूँ। बॉईल भी काफ़ी देर तक नहीं करना है, बस 3-4 मिनट काफ़ी है। मीडियम हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट तक इसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद गैस बंद कर दी है और इसे हम निकाल लेंगे। एक छलनी में निकाल लूँगा मैं, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा। और फिर हम इसे ऐसे स्क्वीज करके नीचे मतलब हाथों से दबाएंगे ताकि पानी निकल जाए बचा हुआ। अभी इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। अभी ये ठंडे हो चुके हैं, अब क्या करते हैं, इसे हाथ से दबा लेते हैं हल्के हाथ से, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। काफ़ी पानी निकल चुका है, पानी मतलब नाक के बराबर रह गया है इसमें। और ऐसे कपड़ा ले सकते हो आप, कपड़े में ऐसे जो बचा हुआ हल्का फुल्का पानी है वो भी कपड़े में आ जाए, इसीलिए ऐसे पानी सोख कर लेगा अगर हम ऐसे करेंगे तो, मतलब कपड़ा जो है पानी को सोख कर लेगा। तो ये हमारे तैयार हैं, स्टिक निकाल देंगे इसमें से, आसानी से निकल आएगी क्योंकि अब ये बॉयल हो चुके हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये चारों मैंने निकाल दी हैं, आप देख सकते हैं। और अब मैंने डीप फ्राई करेंगे, कढ़ाई में एक तेल डाल के रखेंगे। तो पहले मैंने प्लेट में रख लेता हूँ और अपने कढ़ाई की तरफ लेके चलूँगा मैं। इससे पहले ना आपको मैरिनेशन तैयार करके दिखा देता हूँ, तब तक ये तेल गर्म हो रहा है। मैरिनेशन के लिए एक बाउल ले लिया है मैंने, बड़ा सा बाउल लिया है, और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। और इसमें हम डालेंगे दही, यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया है। आप हंकर्ड भी ले सकते हो या फिर रनी दही भी ले सकते हो, मतलब जैसे घर में नॉर्मली दही होता है ना हमारा, वही दही लिया है मैंने। आप इसे हंग करके भी यूज़ कर सकते हो, हंकर्ड बना के। और 3 टेबल स्पून डाला है। इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, या मैं रेडीमेड जो पाउच आता है ना वो ले रहा हूँ। आप अगर गार्लिक पसंद नहीं करते हैं तो चिली जिंजर का पेस्ट आप डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। और ये मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच, और साथ में हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। हरी मिर्ची को मैंने कूट लिया था बारीक बारीक, पेस्ट जैसा बना लिया है। आधा चम्मच, हाफ टी स्पून के लगभग डाला है मैंने ये भी। और अब इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, साथ में डाल देते हैं धनिया पाउडर, गरम मसाला डाल दिया है 1/4 छोटा चम्मच, और ये मेरे पास है जीरा पाउडर। तो ये जीरा पाउडर हम इसमें डाल देंगे। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। यहाँ मैंने ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है जीरा डाल दिया है। काला नमक डाल दिया है 1/4 छोटा चम्मच, और ये है मेरे पास अमूल फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम आप कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको अमूल का ही ब्रांड लेना है। 2 टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी है इसमें, और 2 टेबल स्पून डालने के बाद इसमें डाल देते हैं काजू का पेस्ट। लगभग 20-25 ग्राम काजू को मैंने पानी में थोड़ा उबाल लिया, मतलब गर्म पानी में डाल दिया और फिर उसका पेस्ट बना लिया। काजू पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला 1/4 छोटा चम्मच, और सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद, पहले मिक्स कर लेता हूँ फिर आगे बात करते हैं। ये मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारा मैरिनेशन तैयार है। इसमें आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। और अब देखिए, पैन में मैंने तेल गरम करने रख दिया था पहले, जो कि गरम हो गया है। और अपने जो सोया चाप हैं वो डाल देते हैं और इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। कब तक करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये अब हम इन्हें पलट देते हैं, एक तरफ से सिकने लगे हैं, मतलब पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने कम तेल में ही कर रहा हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो, इतना कि डूब जाएंगे अच्छे से। ये देखिए, ये एक तरफ से सिक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एक साइड रह गए हैं, तो इनको पलट देते हैं। ये कलर काफ़ी है, इतना कलर ही रखेंगे हम, और ज़्यादा नहीं सेकेंगे इसे।
अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आ गया है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर ऐसे रखा मैंने कलछी को साइड में ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में निकल जाए, मतलब कि मेरा तो पैन है पैन में निकल जाए। और टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट में रख देंगे ताकि जो बचा कुचा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है और ये थोड़े से हल्के से ठंडे हो गए हैं क्योंकि उसमें से निकाले हैं मैंने, और टिश्यू पेपर पर ऑयल आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टिश्यू पेपर ने काफ़ी ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इन्हें हम कट कर लेंगे। तो एक चाप के मैं 3-4 टुकड़े कर लेता हूँ, लगभग एक इंच के आसपास के होंगे, लगभग बता रहा हूँ मैं। कट कर रहा हूँ मैं सारे के सारे। और ये चाप, इससे इतनी चाप बनेगी कि एक मेंबर के लिए सफिशियंट है। ये देख रहे हो आप, बॉईल करके फ्राई करने से ये फ़ायदा हुआ कि इसके लेयर्स खुल गए। और ये मैरिनेशन हमारा तैयार है और अपने सोया चाप भी तैयार है, डाल देते हैं इसके अंदर। साथ में ना मैंने शिमला मिर्ची और प्याज कट करके रखे हैं, वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और अब क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसलिए आप हाथ यूज़ कीजिए, स्पून वगैरह से नहीं होगा ठीक से। और सीखों पर इन्हें हम लगा लेंगे। सबसे पहले हम शिमला मिर्च लगाएंगे, फिर हम एक प्याज लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ना ये स्टॉप करेगा, मतलब रोकेगा उसको सोया चाप को। और अब ये लगा देंगे सोया चाप और थोड़ा गैप रखेंगे, मतलब हर उसके बीच में, ताकि क्योंकि हम गैस पे सेक रहे हैं, गैस पे सेकेंगे तो अच्छे से गैस की जो आँच है वो इस पर लगे इसीलिए, और अच्छे से पक सके ये, सिक सके। ऊपर प्याज और शिमला मिर्ची लगा दी, ऐसे ही मैं सारे के सारे तैयार कर लूँगा। ऊपर शिमला मिर्ची और प्याज, नीचे शिमला मिर्ची और प्याज एक एक स्लाइस, बीच में सोया, और ऐसे हम रख लेते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत हवा लगे तो हवा से ये थोड़े ड्राई हो जाए। और फिर हम चलेंगे गैस की तरफ। तो ये देखिए चूल्हे पर मैंने फॉइल लगा के रखा है क्योंकि ये सिकेगा तो नीचे काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। और ये हम इन्हें सेक लेते हैं, वो तंदूरी वाला फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें सेक लेंगे, सेकने के बाद हमें बटर लगाना है हल्का सा, अच्छे से बटर लगाने के बाद फिर सेकेंगे। घुमा घुमा के अच्छे से सेक लेंगे चारों तरफ। ऐसे ही हम सारे के सारे तैयार कर लेते हैं अपने सोया चाप। ये मैं आपको एक और तैयार करके दिखा रहा हूँ, ये मत समझिए कि वही है, मैंने दो दो बार बटर लगाया है, नहीं, मैंने एक बार सेका फिर उस पर बटर लगाया, फिर ये दूसरा है जिस पर मैं बटर लगा के दोबारा ऐसे सेक रहा हूँ, ये दूसरा वाला है, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ऐसे ही हम सारे के सारे तैयार कर लेंगे अपने चारों, पहला तैयार किया, दूसरा तैयार कर लिया, ऐसे ही तीसरा और चौथा भी हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारे तैयार हैं, अपने बाउल के अंदर डाल देंगे एक साफ़ बाउल में, और डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और प्याज के लच्छे। तो मैंने बारीक बारीक, मतलब पतले पतले स्लाइस काट के रखे हुए थे वो डाल दिए, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला और फ्रेश क्रीम डालेंगे हम, अमूल फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम बस मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे जो अफ़गानी सोया चाप हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे सर्व करने के लिए। दही वाली हरी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। तो ये बिल्कुल तैयार है, बस मिक्स कर लिया, और हरी चटनी भी तैयार है दही वाली। धनिया डालिए उसमें, थोड़े से खड़े मसाले और चाट मसाला वगैरह डाल के, दही डाल के आप चटनी बना सकते हैं। तो ये हमारे सोया चाप तैयार हैं, दही वाली चटनी तैयार है। ये सोया चाप आपको कैसे लगे? अगली रेसिपी बनाते हैं अचारी सोया चाप। कल ना मैंने अफ़गानी सोया चाप की रेसिपी शेयर की थी जिसमें जो मैरिनेशन है वो बच गया था, तो उसी मैरिनेशन का यूज़ करके आज मैं बना रहा हूँ अचारी सोया चाप टिक्का। तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, फिर आप ये वाली देखना, तब आपको ये क्लियर समझ में आएगी। अभी देखिए पानी बॉईल हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं अपने सोया चाप जो कि फ्रोज़न सोया चाप है। पहले पानी से वॉश किया, वॉश करने के बाद उबलते हुए पानी में डाल दिया है,
चार सोया चाप लिए हैं मैंने और इनको हम पलट पलट के बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, 3-4 मिनट इनफ काफ़ी है। तो ये हम छलनी में निकाल लेते हैं ताकि जो पानी है वो निकल जाएगा इसमें, और बाद में फिर हम स्क्वीज़ करके भी निकाल देंगे। तो मैंने छलनी में निकाल लिया है, ठंडा होने देते हैं और फिर हम स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाल देंगे। अभी मैंने एक छोटा जार लिया है, इसमें मैं डाल रहा हूँ ये अचार, ये आम का अचार है जो नॉर्मली घर पे होता है ना, आम का अचार, वही मैंने लिया है। लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून अचार लिया है। इसको हम एक बार मिक्सी में चला देते हैं, मतलब एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। आप चाहो तो अचार का केवल मसाला मसाला भी ले सकते हो। और ये देखिए, ये मैंने पेस्ट पेस्ट ले लिया है और ये वो मैरिनेशन है जो कल बच गया था। मतलब इतना बनाया था मैंने कि दो फ्लेवर बन जाए, एक तो हमारा वो बन गया अफगानी सोया चाप और दूसरा हम बना रहे हैं अचारी सोया चाप। जो बेस है मैरिनेशन वो एक ही है, सेम है। वीडियो वो देख लेना आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मिक्स कर लिया है मैंने और इधर मैं जो है अपने सोया चाप फ्राई कर रहा हूँ, डीप फ्राई कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, एक अच्छी सी क्रिस्प लेयर आ जाएगी इसके ऊपर। इसकी जो स्टिक है वो आसानी से निकल आती है क्योंकि ये बॉयल हो गए हैं। मतलब बॉयल होने के बाद आराम से देख लो आप, देख रहे हो आप, आसानी से निकल रहे हैं हमारे स्टिक्स। तो इनको हम डीप फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख रहे होंगे एक पे ना स्टिक लगी हुई है, क्योंकि मैं भूल गया था, मैं फटाफट से जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही डाल दी। कोई बात नहीं, बाद में भी हम निकाल सकते हैं फ्राई करने के बाद अपने स्टिक्स। पहले निकाल दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो डीप फ्राई हो जाएंगे और फूल जाएंगे थोड़े से। इधर मैंने प्याज और शिमला मिर्ची काट के रखी है और अपने जो सोया चाप हैं वो ठंडे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं करने हैं, मतलब आप इसे डीप फ्राई कीजिए, बाहर निकाल लिए और बस जब हल्के ठंडे हो जाए इन्हें कट कर लीजिए। ये देखिए डीप फ्राई करने का ये फ़ायदा हुआ कि इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल गए और अब मैरिनेशन तैयार है, अचारी मैरिनेशन। अपने सोया चाप डाल देते हैं, चाप सारे डाल देंगे, शिमला मिर्ची और प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने बचा ली है। इनको ना मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इन्हें सीख ऊपर लगाएंगे और फिर हम इन्हें गैस पर सेकेंगे। आप अवन में भी तैयार कर सकते हैं, तंदूर में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने सीख ली है और इसमें लगा लेते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च लगाएंगे, शिमला मिर्च के बाद हम एक प्याज लगाएंगे। ये आपको ऐसे ही लगाना है, पहले शिमला मिर्ची और प्याज। इससे क्या होगा, जो बीच में जो सोया है ना आपका सोया चाप, वो आसानी से रुक जाएगा इस पर। और अब हम सोया चाप लगा रहे हैं, और जो भी आप चाप लगा रहे हो, शिमला मिर्ची प्याज लगा रहे हो, थोड़ा थोड़ा स्पेस देना सबके बीच में, क्योंकि हम गैस पर सेकेंगे तो अच्छे से सिक जाएगा, नहीं तो बीच में क्या होगा, कच्चा कच्चा सा रह जाएगा, मैरिनेशन अच्छे से सिक जाएगा। तो ये ऊपर वाले सबसे टॉप पे भी मैंने प्याज और शिमला मिर्ची लगा दी और ये देखो आप बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें सेक लेते हैं, मतलब तो आप एक साथ सारे तैयार कर लेना और फिर इन्हें कुछ देर के लिए रख देना ऐसे ही, जिससे क्या होगा जो हवा लगेगी ना, हवा से मैरिनेशन जो है सूख जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा। फिर आप इन्हें तवे पर या फिर गैस पे इस तरीके से आप सेक लेना और मीडियम फ्लेम पे तैयार कीजिएगा। तो ये मैंने सेक लिया है, अब इसमें बटर लगा रहा हूँ। अपने चाप के ऊपर हम इस तरीके से बटर लगाएंगे, ब्रश से लगा दो, स्पून से लगा दो, बहुत ज़्यादा बटर नहीं लगाना है, हल्का हल्का बटर लगाना है। और फिर से इसे गैस पर सेक लेते हैं और आप देख रहे हैं चूल्हे पे मैंने सिल्वर फॉयल लगाया हुआ है ताकि जब ये सिके तो मतलब कचरा जो सिकने के बाद चूल्हा हमारा ख़राब ना हो। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, बाउल लिया है मैंने, इसमें मैं डाल देता हूँ इन्हें। और अब हम बना रहे हैं अचारी सोया चाप, तो इसके लिए ये हमने डाल दिया है बाउल के अंदर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, मेल्टेड बटर हमने डाल दिया है। और हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक बारीक कटे हुए प्याज हैं, मतलब ऐसे स्लाइस में कट कर लो, लच्छा कट कर लो, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला और फ्रेश क्रीम जाएगी इसमें, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम जा रही है, लगभग है 1 टेबल स्पून के आसपास। तो एक बार बस स्पून से या हाथ से मिक्स कर लीजिए, स्पून से ज़्यादा बेटर रहेगा। मिक्स करने के बाद आपकी अचारी सोया चाप टिक्का तैयार है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करो, चटनी वो वाली दही वाली चटनी, और थोड़ा सा नींबू ऐसे स्क्वीज़ कर दो, नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़ी सी प्याज साइड में रख दीजिए, प्याज के लच्छा रख दीजिए या फिर एक टूथपिक या फिर फोक खाने के लिए। तो ये हमारी बिल्कुल तैयार है, आप इसे बनाइए। आज बना रहा हूँ मैं सोया चाप करी, जो कि विदाउट अनियन गार्लिक बना रहा हूँ। आप चाहो तो अनियन गार्लिक का प्रयोग भरपूर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बनाना।
सोया चाप करी विदाउट अनियन गार्लिक। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सोया चाप लिए, फ्रोजन सोया चाप, उनको ना पहले पानी में बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद थोड़ा स्क्वीज कर दिया जिससे उसका पानी निकल गया, और अब मैं इन्हें कट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल 3 सोया चाप लिए हैं, मेरे पास 3 ही बचे थे, आप 4 पीस लेना कम से कम, इतनी ग्रेवी के लिए 4 सफिशियंट रहेंगे। और ऐसे कट कर सकते हो या फिर ऐसे तिरछे कट कर सकते हो आप, या फिर बीच में से लंबे लंबे भी कट कर सकते हो आप सोया चाप। तो ये तैयार हैं, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई में तेल डाल के रखा हुआ है मैंने, तेल की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है, आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो ताकि आप डीप फ्राई भी कर सको। मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर रहा हूँ, जब तक ये गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे सोया चाप। अभी हमारे सोया चाप लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब बनाएंगे हम ग्रेवी, तो इसके लिए ये जो ऑयल था जिसमें अभी हमने फ्राई किए थे अपने सोया चाप, उसी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, लगभग है 1-2 टेबल स्पून के बीच में। इसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्ची डाल दी है 7-8, एक बड़ी इलायची डाल दी है, और इसमें डाल दिए हैं जीरा, जीरा है लगभग आधा छोटा चम्मच। साथ में हम डाल देंगे 1 तेजपत्ता और 2 साबुत लाल मिर्ची, आप चाहो तो कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हो इसमें से अगर आपके पास नहीं है तो। तो ये खड़े मसाले डाल दिए हैं मैंने और इनको हल्का सा भून लेते हैं। जैसे ही भूनने की खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें डाल देंगे अपना अदरक और हरी मिर्ची। आप लहसुन प्याज का प्रयोग कर रहे हैं तो आप लहसुन डाल दीजिए, या फिर आप अन्य चिली गार्लिक या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो, उसको भून सकते हो। ये थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर, ऐसे हाफ स्लाइस में कट कर लिए थे रफली, ऐसे ही टमाटर डाल दिए मैंने 2, और इनको अब हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। लगभग 15-20 ग्राम मैंने काजू डाल दिए हैं, काजू आप पानी में भिगो कर भी डाल सकते हो या फिर गर्म पानी में भिगो देना कुछ देर, 10-15 मिनट तब डाल देना। और अब सब कुछ एक बार सॉफ्ट हो जाए, मतलब काजू टमाटर हरी मिर्ची, गैस बंद कर दी है, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद करने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना तब तक हम क्या करते हैं, मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून, आधा चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे दही, 3-4 चम्मच हमने दही डाल दिया है, यहाँ मैं रनी दही ले रहा हूँ, आप चाहो तो हंकड़ भी ले सकते हो। और इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहा हूँ मैं 1/2 टीस्पून, आप साथ में इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो, गरम मसाला डाल दिया है 1/4 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी डाल सकते हो इसमें आप, और एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने जो सोया चाप थे जो हमने फ्राई किए थे वो डाल देते हैं इसके अंदर और मिक्स कर लेंगे। आप ना इसमें हंकड़ यूज़ करना ताकि एकदम अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अभी ये ठंडा हो गया है हमारा, इसे हम डाल देते हैं जार के अंदर, कम क्वांटिटी में इसलिए मैंने छोटा वाले जार में डाल दिया है, और इसे हम पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। पीसने के बाद उसी पैन में डाल रहा हूँ आप देख सकते हो, जिसमें मैंने अभी टमाटर हरी मिर्ची को पीस भूना था, आप इसमें प्याज डाल सकते हो 1-2 प्याज, साथ में मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, और डाल देंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ में सौंफ फेनल सीड पाउडर, सौंफ को पीस के पाउडर बना लिया वो मैं डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, जरूर नहीं है डालना। और ये हम डालेंगे जीरा पाउडर लगभग 1/4 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर डाल दिया है मैंने, साथ में हींग डाल देंगे थोड़ी सी, 1 चुटकी हींग डाल दी है, और अब अच्छे से ग्रेवी को भून लेते हैं। पहले से ऑलरेडी ये भुनी हुई है तो हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस अच्छे से मसाले भुन जाएं तब तक। और अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम डालेंगे वो अपने सोया चाप जो हमने मैरिनेट किए थे वो सारे डाल देंगे ऐसे ही कैसे, और गैस की स्पीड लो कर देना इस कंडीशन में जब आप ये डालो तब। और अब क्या करना है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्ची, मैंने ऐसे चीर के कट छोटे छोटे लंबे लंबे टुकड़े कर लिए हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी 1/2 छोटा चम्मच, और हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम, वैसे क्रीम ऑप्शनल है, डालना ज़रूरी नहीं है क्रीम, आप बटर भी डाल सकते हो लास्ट में।
बस नमक और डालना है हमें। पहले ग्रेवी का टेस्ट कर लेंगे कि भाई नमक कितना हमें चाहिए इसमें, फिर उसके अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। पानी डाल दिया है मैंने क्योंकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ज़्यादा लग रही है, इसीलिए लास्ट में पानी डाला है। और शुरू में बिल्कुल पानी नहीं डालना है, हमेशा बाद में ही पानी डालिए आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ फ्रेश क्रीम, लगभग है एक 1.5 टेबल स्पून होगी फ्रेश क्रीम, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं है, 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल दी है मैंने। आप मलाई भी डाल सकते हैं और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ये मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद ये हमारी तैयार है। बस नमक और डाल देंगे, हल्का सा नमक डाला है स्वाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो ये हमारी सोया चाप करी बिल्कुल तैयार है, रूमाली रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन करे ऐसे सर्व कर सकते हो।